मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटीए एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 1857 की जो क्रांति लाई थी, उसमें जो एक क्रांति की लौ जगाई थी, रानी झांसी ने ही किया था ये सब। और उन्हीं के शहर में हैं हम। सुबह के 6 बजे है आज। कल की गर्मी को देखते हुए आज का दिन हमने जल्दी शुरू किया है। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, आइए आपको दिखाते हैं। गढ़मऊ लेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में इतने सुंदर खेत दिखे तो हम मुझसे रुका नहीं गया। और देखिए यहाँ आधुनिक मशीनों से किस तरह से अनाज को निकाला जा रहा है, हार्वेस्टर चल रहा है यहाँ पर। हम पहुँच गए हैं गढ़मऊ लेक। और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितनी सुंदर झील है ये। सामने आप दूर दूर तक देखेंगे आपको पानी नज़र आ रहा है, और पीछे जिस तरह से ये पहाड़ पर एक मंदिर भी दिख रहा है मुझे। और जिस तरह इस तरह एक तरफ सूर्य देव आ गए हैं और जो किरणें जैसे ही पानी पर पड़ रही हैं, पानी बिल्कुल चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर ये पहाड़ जिस तरह से दिख रहा है, पत्थर ऐसे लगा हुआ है कि एक दूसरे से बस ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही नेचुरल है क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। और ये झील भी प्राकृतिक झील है ये, तो मॉनसून के समय में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और तब और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये लेक। हम आ गए हैं लक्ष्मी ताल, और जैसा कि पीछे सिद्धपीठ महाकाली का मंदिर था, वहाँ से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पर राजा गंगाधर राव जो महारानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनका समाधि स्थल है यह। और 1853 में उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ इसके जस्ट सामने ही माँ लक्ष्मी का मंदिर है, आइए हम दर्शन करते हैं। मंदिर से पहले दोनों तरफ ये जिस तरह से ग्रीनरी दिख रही है, इस तरफ पूरा पार्क बना हुआ है। ये देखिए दीवारों की मोटाई, 7 से 8 फीट मोटी दीवारें हैं ये सारी। इसी मंदिर के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा, क्योंकि वैसे तो उनका नाम मणिकर्णिका था, मनु बोलते थे प्यार से, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पर स्वयं रोज़ पूजा करने आती थी और इसीलिए शादी के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। यहाँ पर नेचुरल जो ब्यूटी, जिस तरह से पशु पक्षी मैं देख रही हूँ, सामने तोते दिख रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से ये सब ग्रीट करने आ रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर। दीपावली के समय यहाँ पर बहुत बड़े पूजा का आयोजन किया जाता है और सभी जो झांसी के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। आइए अब राजा गंगाधर राव की समाधि के दर्शन कर लेते हैं। ये है वो स्थान जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये किले का प्राचीन गेट है। थोड़ा भीड़भाड़ रहती है क्योंकि कंजेस्टेड है, लेकिन किले के अंदर से जाने का अपना ही मजा है। और हम आ गए हैं रानी लक्ष्मीबाई के महल, आइए देखते हैं अंदर से। ये वही महल है जब लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़कर यहाँ कुछ समय के लिए रहना पड़ा था। छोटा सा दरवाज़ा, रानी के महल के अंदर आ गए हैं हम लोग। शुद्ध बुंदेली शैली के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं पुरातत्व की जो संरचनाएं हैं उनको
सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी प्राचीन मूर्तियां संग्रहित की गई हैं। इसे वर्तमान में अभी एक संग्रहालय की तरह ही यूज किया जा रहा है। यहाँ लोग आते हैं, टिकट है यहाँ पर 25 रुपए का, तो यहाँ आकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। बुंदेली शैली का काफी सुंदर यहाँ है, आपको जिस तरह से चित्रकारी की गई है डिजाइन आपको दिख रहे हैं। और जिस किस तरह से बनाया हुआ है, इसमें कितने सारे आपको विंडोज दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी हवा आती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतने सारे दरवाजे हैं यहाँ पर, जिस तरह से महल पूरा बनाया गया है। रानी कभी भी अपना किला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें छोड़ना पड़ा इसलिए यहाँ पर अपना बुरा वक्त उन्होंने निकाला। लेकिन किस जिस तरह से ये बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना भी मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और देखिए ये रानी के समय का बनाया कुआँ है, पानी कितना क्लियर दिख रहा है नीचे, बहुत पुराना कुआं है। आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बाहर, होटल में ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ का जो फेमस कड़ी समोसा और सादा समोसा ये फेमस है यहाँ पर। जलेबियाँ मुझे बनती हुई दिख रही हैं गर्मा गर्म, तो इनको नहीं छोड़ेंगे हम। आज हैवी ब्रेकफास्ट होने वाला है। यहाँ पर शॉप्स जो मैं देख रही हूँ, दाऊ के नाम से ही हैं ये, दाऊ समोसे वाले 2-3 शॉप्स हैं। ये एक फैमिली बिजनेस है एक्चुअली, तो इसीलिए नाम सब सेम है। खाकर बताते हैं टेस्ट कैसा है। हमने समोसा ट्राई किया, ब्रेड पकौड़ा ट्राई किया और अब जलेबी। और सबसे बड़ी बात, बहुत रीज़नेबल है, 10 रुपीज़ में ये लिखा हुआ है, तो टोटल सब हमने लिया है 50 रुपये में। वेरी नाइस। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। किले के पास ही ये मिनर्वा चौराहा है, जहाँ पर ये इतना डिलीशियस ऑथेंटिक फूड आपको मिलता है। ट्रेडिशनल फूड है, तो लोकल लोग तो यह बहुत खाते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर टेस्ट करें। पेठा भंडार, देखिए सिर्फ आगरे में ही नहीं, झांसी में भी पेठा बनता है। और ये कैसे बन रहा है यहाँ पर, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस पूरा दिख रहा है हमें। यहाँ पर इसको छीला जा रहा है, काटा जा रहा है, बीज निकाले जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर ये गोदा जा रहा है, और उसके बाद ये प्रोसेस है जो लाइम वाटर में ये डाला जा रहा है इसको हार्ड करने के लिए। तो ये 2-3 बार इसका पानी चेंज किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली देखिए ये कितने रंग बिरंगे उसमें आपको यहाँ पर पैकिंग में मिल जाता है। नमकीन भी हैं, ये सब घर में बनी हुई है नमकीन। ये है खस्ता मिनी समोसा एक्चुअली नमकीन, ये व्रत वाली नमकीन, ये दाल मूंग की दाल, और ये मेथी वाली मठियाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ मिला के 230 रुपये। रानी झांसी के किले के बाहर ही हम आ गए हैं रानी झांसी पार्क में। और यहाँ पर विशेषता ये है कि इस पार्क में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके दीपांजलि दी जाती है रानी लक्ष्मीबाई को। और साथ में ही यहाँ पर सभागार है, जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ले सकते हैं। और देखिए हम आ गए हैं मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, उनके स्टैचू के पास। काफ़ी सारी सीढ़ियां हैं यहाँ पर ऊपर तक जाने के लिए, धीरे धीरे करके आप जा सकते हैं। और यहीं पास में ही इनका घर भी है, तो कोशिश करते हैं अगर इनके कुछ फैमिली मेंबर्स से अगर हमारी बातचीत हो सके। हम आ गए हैं मेजर ध्यानचंद जी के घर पर। उससे पहले ही देखिए कितना प्यारा सा ये घर है, खपरैल की छत डली हुई है और छोटे छोटे से डोर्स हैं, और साथ में ही ये मेजर ध्यानचंद जी का घर है। ये रूम मेजर ध्यानचंद जी का ही है, तो आप उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और यहीं पर वो बैठा करते थे।
हाँ जी, काफ़ी सारे मेडल्स हमें यहाँ दिख रहे हैं जो उनके द्वारा जीते गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें देखने से बिल्कुल एक जागृत हो जाती हैं उसकी उनकी छवि। और देखिए ये है झांसी का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले झांसी था और अभी इसका नामकरण किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर। देखने से ही जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत गांधी जी का डांडी मार्च दिख रहा है यहाँ पर। सेंट जूड्स चर्च में आए हैं हम लोग, बहुत सुंदर बना हुआ है। और जिस तरह से ये पिलर है ऊपर, देखिए दो कीज आपको दिख रही हैं स्टार के नीचे, और काफी बड़ा एरिया है ये। राउंड लगाकर हम आ गए हैं रानी झांसी के किले पर, और जिस तरह की इतना खूबसूरत बाहर से ही देखने पर है, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पहले व्लॉग में आपने ये देखा होगा, और इसीलिए हम चाह रहे थे कि यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, अभी तो बहुत सारी रह गई हैं, कोशिश करेंगे और आने वाले व्लॉग में हम कंप्लीट करें, लेकिन अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी हैं हमें खुद भी देखने में अच्छा लगा, और आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके लिए पहले से एक आइटनरी रेडी हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो इसी तरह ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ, और सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, झांसी बुंदेलखंड की हिस्ट्री बताएं लोगों को। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय बुंदेलखंड।